शाम के 7:30 बज चुके हैं, 7:30 बजे से शुरू हो चुकी है और आज का शाम मेरा कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मेरे पति देव जो है कुछ ज़्यादा ही पति व्रता अपना निभा रहे हैं आज। मतलब क्या सुहागे पे सोना नहीं, क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा वाला इवनिंग है क्योंकि आज मेरे पति देव ने मुझे कहा है कि आज वो कुछ स्पेशल बनाकर मतलब मुझे आज खिलाने वाले हैं। क्योंकि वैसे तो जनरली मतलब क्या होता है ना कि वो ड्यूटी पे होते हैं या थके होते हैं या बिजी होते हैं तो वो मतलब किचन में तो बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते हैं, तो बट आज उनका ऑफ है तो वो उन्होंने डिसाइड किया होगा शायद पहले कि आज चलो थोड़ा खुश कर देते हैं अपनी पत्नी को, तो इसी काम में वो लग चुके हैं और वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। तो खुशी के मारे मतलब आप देख ही रहे हैं कि मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है ना कि उसके वजह से ना मैं मतलब प्रॉब्लम्स भी भूल जा रही हूँ और मतलब भूल नहीं रही वाचरिंग पूरा मैसी ही उसे बना दे रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज के वीडियो में तो मेरे पति देव किस तरीके से क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो क्या बनाकर मुझे आज खिलाने वाले हैं जिससे कि आज पत्नी सच में खुश है। देखते हैं कि वो अकेले किचन में क्या क्या कर रहे हैं। किचन में अभी प्याज कट रही है, प्याज कटने की शुरुआत हुई है, मतलब प्याज कटने की शुरुआत हुई है। ये देखिए मतलब पूरा गुस्सा निकल रहा है अनियंस पे। देखा कैसा मैगी खिलाते हैं, जहर वाला मैगी। जैसा भी होगा गाइस, पति के हाथ का मैगी हो या चाय हो या एक ग्लास पानी क्यों ना हो भाई, वही काफी होता है हम लोग के लिए। तो जैसा भी खिलाओगे बहुत टेस्टी बनेगा, पहले बता रहे हैं। तो ये गाइस, ये फर्क होता है एक पति जब बनाता है और वाइफ जब खाती है, तो मतलब खाना बनने से पहले ही अप्रिसिएशन मिल जाता है, बट जब वाइफ बनाती है खाना और जब पति लोग खाते हैं खाना तो पहले खाना पेट के अंदर जाता है उसके बाद फिर अप्रिसिएशन मिलता है अगर अच्छा बना तो। खुद करता नहीं, खुद कर लेगा। मैगी इज ऑन द वे। टू मिनट्स मैगी यहाँ पे लगता है, आधा घंटा लगेगा। यस बिल्कुल। क्या आप लोग से सच में 2 मिनट में बन जाता है मैगी? मेरे से तो आज तक कभी नहीं बना है और आज तो आधा घंटा में मैगी बनने वाला है। वैसे आज ये डिसाइड किए थे कि आज ये मुझे मैगी बनाकर खिलाएंगे, बट मैं भी थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 10% ही हेल्प करनी है, ज्यादा नहीं। कुछ हेल्प कर रहे हो? कुछ मत बोलो। ए मेरे बिना मतलब हम मेरे किचन की तो मतलब ये है ना यार, किचन की मालकिन मैं, तो हेल्प तो थोड़ा बहुत मेरी जरूरत पड़ेगी ना। बकवास कर रही हो, हेल्प कर रही हो। अभी से ही मैगी का मतलब स्वाद आना शुरू हो गया है, इतना ज्यादा मतलब खुशबू आ रही है। मैगी का पैकेट भी नहीं पड़ा, स्वाद आने लगा। ये भी डाल दो, ये फ्लेवर वाला।
अरे वाह यार क्या मस्त मैगी, गर्मा गर्म मजा ही आ जाएगा आज तो, देख लो देख लो। पहले खा तो लो। अरे यार खाने का क्या है, खुशबू से ही पता चल रहा है कि कितना मस्त बना होगा। अरे यार एक ही कप ही चाय बनाना है तो हो जाएगा, लेकर आओ अभी अभी आता ही होगा वो लेकर। आप अपने ही बनाओगे ना, अपने लिए ही ना, तो एक कप ही लेना। तो बस अभी चाय की प्रिपरेशन चल रही है। देखिए ये गर्मा गर्म चाय भी रेडी हो गई है, इधर मैगी भी रेडी है, बस इसे प्लेट में सिर्फ सर्व करना है और बस पेट में डालना है। तो ये गाइस सर्व हो रही है, मैगी रेडी है, देखते हैं खाकर की क्या टेस्ट आता है। बहुत तारीफ कर रही थी, ये भी हो जा खाने के बाद पता चलेगा। मजा आने वाला है गाइस, रियली मजा आने वाला है। टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। ठीक है उनको अप्रिशिएट भी तो कितना किया, वो भी तो कितना। फटाफट से जा रही हूँ वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करने के लिए। ये दूध जस्ट मैंने अभी बॉईल करने के लिए ही रखा है, तो ये जब तक बॉईल होता है तब तक ये वेजिटेबल्स मैंने लगभग एक डेढ़ घंटे पहले सैनिटाइज करके छोड़ दिया था, तो अब उसे जा रही हूँ जल्दी जल्दी इसे पानी से वॉश कर दूँगी, फिर नेक्स्ट डे मैं इसे कल से यूज़ कर सकती हूँ। तो गाइज़ अभी ये कोरोना की वजह से ना बहुत ज़्यादा काम, मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब वेजिटेबल्स पहले था कि ना वेजिटेबल्स लाओ और जस्ट फ्रिज में रख लो, बस बनाने से पहले उसे वॉश करो, लेकिन अभी तो उसे सैनिटाइज करो पहले अच्छे से, उसे थोड़ी देर छोड़ लो, फिर उसके बाद फिर पानी से उसे वॉश करो, फिर थोड़े धूप में सुखा लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे यूज़ करो। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये सब फालतू के काम हो गया है, मतलब बहुत टेंशन है यार। अभी आप लोग भी ऐसे ही करते हो गए आई होप सो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कोरोना, मतलब आज अभी तो और ज़्यादा ही खतरनाक हो गया है ये दूसरा स्ट्रेन कोरोना का। बारिश शुरू हो गई है तो मैं जल्दी जल्दी से सारे कपड़े उठा लेती हूँ। मैंने आज शाम को ही, मतलब आज दोपहर को वॉशिंग मशीन लगाया था, तो सारे कपड़े मैंने दोपहर में, मतलब तीन बजे के, शाम को तीन बजे के आसपास मैं डाली थी सूखने के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि मतलब वो अच्छे से सूखा नहीं था, तो मैं सोची कि रात में 9-10 बजे तक, मतलब सोने से पहले सारा कुछ उठा लूँगी, बट अभी तो ये बारिश आ गया है, तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी सारे कपड़े उठाने पड़े यार। ये बारिश का पता नहीं चल रहा है, बारिश आता है कभी, इतना गर्मी हो रहा था इनको दिन में, और इसके बाद अभी अचानक से इतना ज़्यादा बारिश, पता नहीं क्या मौसम आ गया है। तो गाइस बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही करते हैं, मतलब अब ना मुझे लंच वगैरह, सॉरी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, तो फिर कल मैं आपसे मिलती हूँ वापस से। ओके तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप जैसे कि आप सब कुछ ही सबको ही जानते हैं कि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो आप सब भी अपना बहुत ही ख्याल रखें। कोई भी चीज़ अगर आप मार्केट से लाते हैं तो उसे सबसे पहले सैनिटाइज़ कीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए, हो सके तो थोड़ा धूप में दे दिया कीजिए, उसके बाद ही उसे यूज़ कीजिए। जितना आप सेफ़ रहेंगे आपकी फैमिली भी उतना ही सेफ़ रहेंगी।